और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए नामों पर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यहां पर पीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के नामों पर चर्चा हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों के सीएम चेहरे को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नामों पर मंथन चिंतन हो रहा है और ऐसी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तीनों राज्यों में कौन होगा इसको लेकर भी जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। तो महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं, इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और खबर है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री चेहरा मध्य प्रदेश में कौन होगा, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनता है, ये तय होगा। तो पीएम आवास पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों पर चिंतन मंथन चल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर चर्चा चल रही है, विमर्श हो रहा है, चिंतन मंथन हो रहा है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने की संभावना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। विकास, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विकास, चिंतन मंथन चल रहा है प्रधानमंत्री आवास पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में, पूरी खबर क्या बताइए एक बार विस्तार से। जी बिल्कुल, चिंतन मंथन चल रहा है और उस चिंतन को मंथन के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव परिणाम आए उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और बीजेपी की परंपरा रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने के बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है और पर्यवेक्षक राज्यों में जाते हैं जहां का चुनाव हुआ होता है, वहां विधायक दल की बैठक कराते हैं, नेता विधायक दल चुनवा लेते हैं। लेकिन अब तीनों राज्यों की बात करें, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी थंबिंग मेजोरिटी से आई है, फिर विलंब क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति के जेहन में यही सवाल है कि आखिर देर क्यों। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कहीं भी बीजेपी ने चेहरे को आगे नहीं किया था कि कौन नेता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसको लेकर के मंथन है कि आखिर किसे प्रदेश की सूबे की बागडोर सौंपी जाए। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनके जगह पे किसी दूसरे को बनाया जाए? तो दूसरे को बनाया जाए तो किसे बनाया जा सकता है? क्या ओबीसी कम्युनिटी के शिवराज सिंह चौहान को हटाकर किसी ओबीसी को ही बनाया जाए या किसी और पर दाव खेला जाए? तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मंथन हो रही है, कई दिनों से हो रही है। पहले जेपी नड्डा सभी प्रदेश अध्यक्षों से बात किए, प्रकाश, बीडी शर्मा, जेपी नड्डा से आकर संसद भवन में मुलाकात की, बीडी शर्मा ने मुलाकात अमित शाह से भी की, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी उनकी बैठक हुई थी। ऐसे जेपी नड्डा सभी राज्यों के अध्यक्षों से, खास तौर पर प्रभारी और चुनाव प्रभारियों से उनकी बैठक हो गई। तो जो सारी बैठकें जेपी नड्डा कर लिए उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पास ब्रीफ करने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। अब प्रधानमंत्री का आज जो आदेश होगा या निर्देश होगा वही आगे चल के दिखाई देगा कि किसके नाम पर सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई। ठीक है, तो इस बैठक में अभी जेपी नड्डा शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है, प्रधानमंत्री के आवास पर और कौन कौन से बड़े पदाधिकारी विकास पहुंचे हैं जो इस बैठक में शरीक हुए हैं? ये देखिए, अभी जो जानकारी आई है सामने कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेपी नड्डा मिलने गए हैं, क्योंकि पूरी पार्टी तो, की जानकारी तो क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद ये क्या संभव है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरों का ऐलान हो जाए या फिर किसी एक या दो राज्यों पर सहमति बने शाम तक, रात तक? देखिए, इस बैठक के बाद एक हो सकता है कि राज्यों के प्रवक्षकों के नामों का ऐलान हो सकता है। हाँ। क्योंकि नाम का ऐलान तभी होगा जब विधायक दल की बैठक में कोई नेता विधायक दल चुन लिया जाएगा। हाँ। तो जिसका नाम यहाँ से, जिसके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी, पर्यवेक्षक उसको लेकर जाएंगे, उस नाम पर वहाँ सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, विधायकों की सहमति के बाद उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तो आज नहीं होगी यहाँ से, लेकिन हाँ, इस बैठक के बाद जैसे ही पर्यवेक्षक के नाम की अगर घोषणा हो जाएगी तो ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका, इस पूरी बैठक पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया।